श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नवरात्रों के पावन दिन चल रहे हैं तो 30 सितंबर पंचमी का नवरात्रा यानी पंचमी तिथि है, तो इस दिन आपको एक उपाय करना है। अगर किसी लड़का या फिर लड़की का विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, बहुत ज्यादा अड़चने आ रही हैं शादी में, तो उसके लिए नवरात्रों की पंचमी तिथि को आप एक छोटा सा उपाय करेंगे। इतना चमत्कारी उपाय है, आप खुद देखेंगे, मात्र थोड़े ही समय में आपके विवाह के योग बनेंगे। जो भी रुकावटें आ रही हैं वो पूरी दूर हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर ये उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। मात्र दो स्वास्तिक आपको बनाने हैं और आपके विवाह की सारी अड़चनें जो है वो समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आपने क्या करना है इस उपाय को करने के लिए, आपने क्या करना है, आपने लेना है एक आम का पत्ता, यानी आम का जो पेड़ है वहां से आप एक पत्ता साफ सुंदर उसे धोकर रख लीजिए। अब उसके ऊपर आपने बनाना है, सबसे पहले तो आपको इसके साथ ही चाहिए थोड़ी सी हल्दी, जो हमारे घर में होती है वो आप कटोरी में थोड़ी सी डाल लीजिए, और साथ में थोड़ा सा रोली, यानी हल्दी और जो रोली है उसको अलग अलग रखना है, मिलाना नहीं है। सिंदूर जिसे हम बोलते हैं उसे आपने अलग अलग रखना। थोड़े से हमें चाहिए चावल। अब आपने क्या करना है, जो आम का हमने पत्ता लिया है उस पर पहले, जिसका विवाह नहीं हो रहा वो स्वयं अपने हाथों से ये उपाय करेगा, एक स्वास्तिक का वहां पर चिन्ह बनाना है, स्वास्तिक बनाना है। सबसे पहले हल्दी के अंदर पानी डालकर उसका घोल बनाकर हल्दी का स्वास्तिक बनाइए एक तरफ, और दूसरी तरफ आपने क्या करना है, आपने जो सिंदूर लिया है उसका आप घोल बनाएंगे तो दूसरी तरफ भी आपने एक स्वास्तिक बना देना है, यानी एक ही पत्ते पर आपने दो स्वास्तिक बनाने हैं। अब जो आपने चावल लिए हैं, अब चावल भी आप जो है दो जगह आप चावल कर लीजिए, थोड़े थोड़े एक एक चुटकी। एक चावल में जो आप जो है थोड़ा सा सिंदूर मिक्स कर लेंगे और दूसरे चावल जो है आप हल्दी डालकर पीले रंग के कर लेंगे, और एक चावल आपने सिंदूर डालकर लाल रंग के कर लेने हैं। यहाँ तक आप समझ गए। अब आपने क्या करना है, जहां पर हमने हल्दी वाला स्वास्तिक बनाया है उस पर आपने जो रोली वाले लाल चावल हैं वो आपने रखने हैं, और जो आपने सिंदूर का आपने जो स्वास्तिक बनाया है उस पर आपने जो हल्दी वाले चावल हैं वो आपने रख देने हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ ऐसे आप इसे समझिएगा। उसके बाद आपने, जिस भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो पा रही वो अपने हाथ में इस पत्ते को रखे, और आपके घर के पास जहाँ फिर मंदिर में कहीं पर भी नीम का पेड़ हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, केवल नीम के पेड़ के नीचे ये उपाय करना है। नीम के पेड़ के नीचे आपने इस पत्ते को अपने दोनों हाथों में रखते हुए अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, जो भी आपकी शादी में अड़चन आ रही है उसका आप जो है उसके लिए विनती करिए, और उस पत्ते को आपने जो है नीम के पेड़ के नीचे आपने समर्पित कर देना है। क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे जो है वो दैवीय शक्तियां होती हैं, माँ का जो है वहां पर वास होता है। तो नवरात्रों के शुभ दिन चल रहे हैं तो माँ से प्रार्थना करिएगा, आपकी शादी में जो भी अड़चनें आ रही होंगी वो निश्चित रूप से दूर होगी और मात्र थोड़े ही समय में आपके विवाह के योग बन जाएंगे। तो बहुत ही सरल उपाय है, केवल नवरात्रों की पंचमी तिथि को आपने करना है। जरूरी नहीं है ये नवरात्रे चल रहे हैं, साल में चार बार नवरात्रे आते हैं, जो दो बार जो हम अष्टमी मनाते हैं और जो दो बार गुप्त नवरात्रे आते हैं उनकी पंचमी तिथि को भी ये आप उपाय कर सकते हैं। उपाय को पूरी श्रद्धा भावना के साथ करिएगा। कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।